तो फिर ये सवाल खड़े हो रहे थे कि इस वीडियो के सामने आने के बाद पार्टी क्या फैसला लेती है। कई तरह के आरोप भी पूर्व विधायक पर लगे हैं। ये मामला कई वक्त से चल रहा है और इसके बाद अब कांग्रेस पार्टी का एक कदम सामने आया है, जहां उनके वायरल वीडियो के बाद पार्टी ने उन्हें निलंबित किया है। कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं मेवाराम जैन। कांग्रेस पार्टी में एक कार्यकर्ता के तौर पर उनकी शुरुआत हुई। पूर्व विधायक मेवाराम जैन निलंबित किए गए हैं, ये पार्टी का फैसला। के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ नरेश शर्मा जुड़ गए हैं। नरेश जी, बताइएगा, वीडियो के वायरल होने के बाद लगातार विवादों में थे मेवाराम जैन। हालांकि पहले ही मामला दर्ज करवाया जा चुका था, लेकिन अब यह बड़ा फैसला पार्टी ने लिया है। सबसे पहले तो बताइएगा, किस तरह से देख रहे हैं आप इस फैसले को? देखिए, आज शाम को ही फर्स्ट इंडिया ने संकेत दिए थे कि पार्टी जो है वो इन पूर्व विधायक पर कार्रवाई करने जा रही है, क्योंकि जिस तरह यह मामला बढ़ रहा है, विवाद बढ़ रहा है, और उसके कारण से एक पूर्व विधायक के कारण से पार्टी है वो पशोपेश में है, क्योंकि पहले भी एक खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज हुआ था और बड़े गंभीर आरोप लगे थे, रेप के आरोप लगे थे। हालांकि गिरफ्तारी पर कोर्ट की रोक है, लेकिन जिस तरह से एक वीडियो लगातार पिछले दो दिन से वायरल हो रहे हैं, सीडी जो है उसकी बात की जा रही है, तो ऐसे में इस वीडियो और सीडी की चर्चा के बीच जो ये लगातार कांग्रेस पार्टी पर जो ये कह सकते हैं कि कड़ा फैसला लेने का एक दबाव सा था, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी है वो आने वाले समय में लोकसभा चुनाव में इसको बड़ा मुद्दा बना सकती थी। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने समय रहते और पहले ये कदम उठाते हुए मेवाराम जैन को पार्टी की जो पात्र सदस्यता है उससे निलंबित कर दिया है, और इसका सीधा सीधा ये मान सकते हैं कि एक तरह से इनसे किनारा कर लिया है। और अब चूंकि जो और कुछ जो कार्रवाई होती है वो कानून के हिसाब से वो अपने स्तर पे होगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जो फर्स्ट इंडिया आज शाम को ये संकेत दे दिए थे कि कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि जिस तरह से पीड़िता जो थे
उन्होंने आरोप लगाए थे, और जिस तरह से पूरे प्रदेश में जो वीडियो है वो वायरल हो रहे हैं, जिस तरह से लगातार जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने भी एक तरह से कह सकते हैं कि कांग्रेस के निशाने पर लिया था, तो ऐसे में अब कांग्रेस के पास यही एक कदम उठाने का विकल्प था। हालांकि ये मामला पहले भी आया था, लेकिन तब इन पर कोई कार्रवाई पार्टी की तरफ से नहीं की थी, लेकिन अब जब पूरा मामला आला कमान तक पहुंच गया, दिल्ली तक पहुंच गया, पूरी रिपोर्ट वहां तक पहुंच गई, और किस तरह से जो वीडियो की बात है या FIR की बात है या जो गंभीर आरोप लगे हैं और लगातार मीडिया में बातें सामने भी आ रही थी, सोशल मीडिया पे लगातार बातें हैं वो सामने आ रही थी, तो ऐसे में जब दिल्ली आला कमान तक की बात पहुंची तो वहां से निर्देश के बाद में अब पार्टी ने स्थानीय इकाई ने, राजस्थान की इकाई ने, जो पूर्व विधायक है मेवा राम, उनको प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है। अनिल जी, एक और जानकारी दीजिएगा। देखिए, हम वो आदेश की कॉपी भी दिखा रहे हैं दर्शकों को, क्योंकि PCC चीफ डोटासा का आदेश है, लेकिन जिस वायरल वीडियो की नरेश जी आप भी बात कर रहे हैं, इसके बाद सोशल मीडिया पर देखे तो फिर लोगों का आक्रोश फूटा था, कई तरह की बातें हुई थी, जेल में डालने की बात भी लगातार लोग कर रहे थे। हालांकि आपने भी कहा जिस तरह से कि हाईकोर्ट पर पहले से ही ये फैसले में कहा गया था कि गिरफ्तारी पर रोक लगाई गई थी, तो फिर अब ये मामला कहाँ जाने वाला है नरेश जी, इसको लेकर के भी जानकारी दीजिएगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने अपना फैसला कर लिया है। देखिए, FIR है वो हो चुकी है, और पीड़िता है, उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं, और साथ में हालांकि गिरफ्तारी पे रोक है, लेकिन अब कानून जो है वो आगे जो पीड़िता की शिकायत उसके आधार पर किस तरह से काम करता है ये आगे देखना होगा, लेकिन जो आरोप है वो काफी गंभीर प्रकृति के हैं, और इसमें न केवल अकेले पीड़िता को लेके बल्कि जो आरोप है कि और भी ऐसी कई पीड़ित हो सकती है, और उसके बाद सबूत के तौर पे लगातार जो है वो कुछ वीडियो की बात की जा रही थी, लेकिन अब पिछले 2 दिन से जिस तरह से ये वीडियो सामने आ रहे हैं, जो अश्लील वीडियो सामने आ रहे हैं, और कहा जा रहा है कि पूर्व विधायक जो है उनसे जुड़े हैं, तो ऐसे में अब लगातार जिस तरह से ये मामला एक के बाद एक तूल पकड़ता जा रहा था, और खासकर हम 2 दिन से देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे जो जिस तरह से वीडियो वायरल हो रहे हैं, और जिस तरह से लगातार जो पुराने जो बातें थी उनका दावा किया जा रहा था कि पहले से ही कहा जा रहा है कि इस तरह से जो विधायक पूर्व विधायक है वो इस मामले में जो शामिल है, तो ऐसे में ये माना जा रहा था कि कहीं चुनाव के कारण पहले इस मामले को दबाए रखा गया था या दबाने की कोशिश की गई थी, लेकिन अब क्योंकि एक के बाद एक जो जिस तरह से बयान सामने आ रहे हैं, और जिस तरह से अब जो खासकर जो ये मामला इसलिए अब ज्यादा तुल पकड़ा, या कांग्रेस पार्टी भी कार्रवाई करने के लिए इसलिए मजबूर हो पाई क्योंकि अब वीडियो वायरल हो रहे थे, तो ऐसे में अब जो कानून है, जैसे आपने कहा क्या काम करेगा, कानून अपनी जगह काम करेगा, लेकिन पार्टी को भी अपनी जगह फैसला लेना था, और चूंकि अब लोकसभा चुनाव होने हैं, तो ऐसे में पार्टी नहीं चाहती कि किसी भी तरह से पार्टी पे कोई ऐसा आरोप लगे कि उनका जो पूर्व विधायक किस तरह जो विवादों में है, जिसका अंतर पार्टी को बैकफुट पे आना पड़े, तो ऐसे में ये फैसला पार्टी की तरफ हुआ है, लेकिन कानून के स्तर पर भी लगता है कि जिस तरह से वीडियो सामने आ रहे हैं, तो यहाँ भी जो कार्रवाई है वो आगे बढ़ पाएगी। ठीक है नरेश जी, बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए।